हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं न्यू क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के हिंदी से, हिंदी में गद्य खंड से 13वां चैप्टर। 13वां चैप्टर क्या है? शिक्षा, जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। इसी से हम कुछ वीवीआई क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि ट्वेल्थ के जो भी वीवीआई क्वेश्चन डाले सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? जय कृष्णमूर्ति जी की इनमें से कौन सी रचना है? तो ए में दिया गया है रोज, बी में बातचीत, सी में संपूर्ण क्रांति, डी में शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, शिक्षा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, आंध्र प्रदेश में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि माँ की मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? माँ के मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति जो था वह कितने वर्ष के थे? तो ए में है 10 वर्ष, बी में 12 वर्ष, सी में है 15 वर्ष और डी में है 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, 10 वर्ष। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो ए में है संभाषण, बी में है निबंध, सी में है सम्मरण और डी में है एकांकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, संभाषण। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो ए में है जहाँ स्वतंत्र हो, बी में है जहाँ भय हो, सी में है जहाँ अनुशासनहित हो और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, जहाँ भय हो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? तो ए में है जीवन में उन्नत करना, बी में है जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना, सी में है जीवन को समझना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, जीवन को समझना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? हमें क्या देती है? तो ए में है रोजगार, बी में है प्रसिद्धि, सी में है व्यापकता और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, व्यापकता। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो दोस्तों, ए में दिया गया है स्वतंत्र, बी में है अनुशासित, सी में है दायित्वपूर्ण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्वतंत्र। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि जिंदगी का अर्थ क्या है? जिंदगी का अर्थ क्या है? तो ए में है धन कमाना, बी में है प्रसिद्ध प्राप्त करना और सी में है सत्य की खोज करना और डी में है सत्य प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, सत्य की खोज करना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि जय कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो ए में है उत्साह, बी में है नाराजगी, सी में है खुशी और डी में है भय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, भय। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस और अग्रसर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, नाश की ओर। क्या हो जाएगा? बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो ए में है मलयज की, बी में है मोहनदास की, सी में है जय कृष्णमूर्ति की और डी में है अब्दुल कलाम आजाद की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, जय कृष्णमूर्ति की। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि समयवादी किससे लड़ रहा है? समयवादी जो है वो किससे लड़ रहा है? तो पूंजीपति से लड़ रहा है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी, पूंजीपति।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ। तो जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म कब हुआ, 12 मई 1895 ईस्वी में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 12 मई 1895 ईस्वी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम था, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का क्वेश्चन है कि जिद्दू कृष्ण मूर्ति, क्या हो जाएगा, जिद्दू कृष्ण मूर्ति बी इसका सही आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जय कृष्ण मूर्ति, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है यह जय कृष्ण मूर्ति का, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तत्व सही है, जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तत्व सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वे प्रायः बोलते थे संभाषण करते थे, क्या वे प्रायः बोलते थे संभाषण करते थे, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, विनोबा भाव भावे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। ए में महात्मा गांधी, बी में विनोबा भावे, सी में है जगदीश चंद्र मास्तूर और डी में है जय कृष्ण मूर्ति। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। ए में है आंध्र प्रदेश में, बी में है उत्तर प्रदेश में, सी में है राजस्थान में और डी में है उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए आंध्र प्रदेश में, क्या हो जाएगा ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो ए में है राधा कृष्णन में, बी में है राजेंद्र प्रसाद में, सी में है गांधी में और डी में है जय कृष्ण मूर्ति में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सा रचना है। तो जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सा रचना है, शिक्षा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर डी शिक्षा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सब पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप सबको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।